नमस्कार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कितने वोटों की जरूरत है और किसके पास राष्ट्रपति चुनाव का बहुमत दिखाई दे रहा है? क्या बीजेपी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार जिता पाएगी? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट में यहां पर नाम को लेकर मंथन जारी है, लेकिन जिन तीन नामों पर चर्चा तेज है वो नाम भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा यहां पर यूपीए से भी नामों पर चर्चा तेज हो चुकी है। हाल ही में जो विपक्ष की एक बड़ी मीटिंग हुई थी उसको लेकर भी यहां पर संपूर्ण जानकारी है, लेकिन विपक्ष एकजुट रहा तो काफी कुछ बदलाव राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देखने को मिल सकता है। शिवसेना समेत आम आदमी पार्टी, यहां पर आरजेडी की बात करें या शिवसेना की बात की जाए, इसको लेकर काफी हलचल तेज है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। लेकिन काफी बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है नीतीश कुमार के बयान के बाद भी। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो बयान रहा है, उन्होंने साफ कहा कि वक्त आने पर वो निर्णय लेंगे किसे वो यहां पर अपना समर्थन देने वाले हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संपूर्ण गणित सामने आ चुका है। आखिर बहुमत का आंकड़ा क्या एनडीए के पास है या फिर राष्ट्रपति चुनाव की चाबी विपक्ष के पास है, इसके संपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। अगर जम्मू कश्मीर को छोड़कर कुल मतदाता यानी यहाँ पर विधायक और सांसद मिलकर यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव का चयन करते हैं, उसको लेकर किसके पास विधायक हैं और किसके पास सांसद हैं, विपक्ष का क्या चुनावी गणित है, तो 4,802 कुल यहाँ पर मतदाता हैं। इसमें अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर 4,033 यहाँ पर विधायक हैं, 540 लोकसभा सांसद, इसके अलावा 239 राज्यसभा सांसद हैं। ये मिलकर तय करते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव किसकी तरफ जाने वाला है। अब जिसके पास यहाँ पर वोटों का गणित अधिक होगा उसका राष्ट्रपति उम्मीदवार जीत जाएगा। वोटों का जो कुल मूल है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो 5,43,231 यहाँ पर विधायकों का मूल आता है, जबकि सांसदों के वोटों का मूल है 5,38,200 यहाँ पर मूल आता है, और कुल निर्वाचन वोटों का मूल 10,00,000 यहाँ पर 78,915 आता है। यानी 5,39,458 से ज्यादा वोटों की जरूरत होती है और इसके पास ज्यादा यहाँ पर वोट होंगे उसका उम्मीदवार जीत जाएगा। यानी एनडीए के पास अगर 5,39,458 से ज्यादा वोट होते हैं तो फिर राष्ट्रपति चुनाव एनडीए जीत जाएगा। लेकिन एनडीए और यूपीए के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे किसके पास कितने आते हैं। अगर बात की जाए एनडीए के पास 441 सांसद, 1,773 विधायक, इनके वोटों का मूल्य आता है 5,26,996। यानी बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास 12,000 से ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। यानी एनडीए के पास फिलहाल बहुमत का आंकड़ा नहीं है। अगर उन्हें यहाँ पर बीजेडी बात की जाए तो बीजू जनता दल है, यहाँ पर वाईएसआर आंध्र प्रदेश की जो यहाँ पर पार्टी है उसके समर्थन या अन्य के समर्थन के बिना राष्ट्रपति यहाँ पर उम्मीदवार जिता नहीं सकते, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष और यूपीए के आंकड़े भी आपको दिखाते हैं। यूपी के पास 2,64,158 वोट का मूल्य है। इसके अलावा अन्य दल की बात की जाए 2,87,791 कुल यहाँ पर वोट है। अगर दोनों को कन्वर्ट यानी मिला दिया जाए तो यहाँ पर 5,51,949 आते हैं। यानी बहुमत के यहाँ पर पार जाता है यूपीए। अन्य अगर साथ आ जाता है तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यहाँ पर उनका उम्मीदवार जीत सकता है, जिसको लेकर मीटिंग भी आयोजित की जा रही है। यानी बात की जाए एनडीए के पास 5,26,996 वोट हैं और उन्हें अभी भी यानी एनडीए को 12,492 और वोट की जरूरत होती है, और ऐसे में वो किसका सहारा लेंगे ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संपूर्ण गणित आपको दिखाया है। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो मतदान है वो 18 जुलाई को होने वाला है और 21 जुलाई को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, जिसमें तय होगा कि आखिर कौन बनेगा राष्ट्रपति। क्या एनडीए की तरफ से या फिर यूपीए विपक्ष मिलकर यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपना उम्मीदवार रखेंगे तो कौन जीत सकता है? आंकड़ों के हिसाब से तो विपक्ष और यहाँ पर अन्य आगे दिखाई देते हैं, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं जो है अन्य के समर्थन में कुछ ना कुछ वोट यहाँ पर हासिल करके अपना उम्मीदवार जिता सकते हैं। तो ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाए। आपको क्या लगता है इस बार क्या विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार जीतेगा या फिर एनडीए के ही तरफ से जीतेंगे, इस पर अपनी राय रखिए। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।